जल्दी आओ, आओ इधर, मैं आपको पूछा, थैंक यू, आ जाओ, बी वेरी केयरफुल, ओके, बस के बाद, भाई खड़ो, साथ में खड़ो, मेरे लुकिस पास में खड़ो, आ गया, जो एक्टर नहीं करते हो, चले आओ, इधर आ जाओ, ओके, मेरे लुकिस पास में पास, हेलमेट के बाद, वेरी गुड, टाइगर के बाद, वेरी गुड, बस के बाद, स्वेटर पहन के बाद, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम जनाब अमीन मुदस्सर, जो एक रिनाउंड पर्सन है और ही इज़ अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सिग्मा जो बेंगलुरु की है, और ये हमारे साथ मुसलसल 17 साल से जुड़े हुए हैं, और आज आए हैं कि आज पूरे बेलगाम के तुर्बा और तालिबान जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इनका सेशन आज चला है। ये मॉर्निंग 9:30 से दोपहर के 2:30 बजे तक रहेगा। ये तकरीबन हर साल हमारा साथ दिए हैं, आए हैं, और लोगों को, बेलगाम के लोगों को इतना फ़ायदा पहुंचा है इस ज़रिए से, बच्चों को ख़ास करके, कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। और एक बात इनकी स्पेशली बता रहा हूँ, ये कोई पैसा लेते नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और अमीन मुदस्सर साहब हमारे से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए ये जो सेशन है इसके बारे में जो है खुलकर मुदस्सर साहब बताएंगे। और मैं अलिकरा की जानिब से तमाम लोगों का, पूरी अलिकरा की टीम का और अमीन मुदस्सर साहब का शुक्रिया गुजार हूँ। फिर इकरा एक पुरानी तंजीम, पुराना इदारा है, एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर। ये इस तरह का एकाध प्रोग्राम छोड़कर दूसरा आप प्रोग्राम करते हुए नहीं देखा जाता, और सोशल इश्यूज़ पर कहीं आवाज़ उठाते नज़र नहीं आती, ऐसा इल्ज़ाम आवाम की जानिब से, इस पर क्या कहें? इकरा जो है दो किस्म में डिवाइड किए हम, एक मेडिकल हेल्प और एक जो है एजुकेशन। एजुकेशन में जो मेडिकल हेल्प पे जो करना है हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जाहिर नहीं करते कि हम चीज़ किए हुए बोलकर। इकरा नेवर कम्स ऑन द फेस ऑफ ये। और सेकंड जो बात है हमारी, वो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे बायलॉज में लिखा गया है कि वी विल नॉट बी लिंक्ड टू पॉलिटिक्स। अगर मुझे पॉलिटिक्स में बैठना है तो मुझे अलीगढ़ की सीट छोड़ना पड़ती है। सोशल इश्यूज हिजाब है और अभी मस्जिद के इश्यूज आते रहते हैं, सोशल इश्यूज। जी हाँ जी, अच्छा, जो भी सोशल इश्यूज है इसमें इकरा का जो बायलॉज है, वी गो अकॉर्डिंग टू द बायलॉज, और बायलॉज में जो है ये दो मुद्दे जो है बहुत अहम है हमारे, तो बाकी के मुद्दों को दूसरे तंजीमें हैं जो कर रहे हैं उनका सपोर्ट रहेगा हमारे तरफ से, बट इकरा के तरफ से हम उसको तहजी नहीं देंगे। मैं अमीन मुदस्सर साहब से भी मैं मुखातिब हूँ और आपसे भी, कि करंट जो इशू है लड़कियों का मामला, हम देख रहे हैं कई सारे खुराफात हैं, बेहयाई, इस तरह के मामलात, इस बात को यहाँ पर कितना ट्रेस करते हैं, क्योंकि ये नौजवान नस्ल है और इन्हीं में से लोगों को फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से टारगेट किया जाता है, और कई सारे वाक़े हमारे सामने पेश आए, बेलगाम शहर की बात, इस पर आप कितना ये कर सकते हैं? सबसे पहले अलीखरा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे हर साल यहाँ पे बुला के बच्चों को बात करने का मौका देते हैं।
देखिए यंग माइंड्स चाहे वो किसी भी कौम के हों, उनका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो इस प्रोग्राम में हम बच्चों को उसी माइंडसेट को लेके काम किए कि ये जो उम्र है, यहाँ इस उम्र में किस चीज़ पे फोकस करना है आपको, क्यों आपको पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, क्यों आपको वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, क्यों आपको एक कॉम्पस चाहिए। बच्चों को मैंने आज वही बताया कि कामयाबी का राज जो है एक बर्निंग डिज़ायर विथ कॉम्पस है कि आप चाहते हैं कि आप अच्छे पढ़ें, लेकिन आपका कॉम्पस क्या है कि आपको कुरान और हदीस में क्या बोला गया है, राइट। हम सब के लिए एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुझे भी जो है द डायरेक्शन कम्स फ्रॉम देयर कि मुझे ये अखलाक पेश करने हैं। तो माहौल चाहे जितना भी संजीदा हो, वट एवर आर द सिचुएशंस, उन हालात में हमको बस ये देखना है कि मैं कितना अपने उस कॉम्पस की तरफ जुड़ा हूँ। अब वो कॉम्पस जो है कुरान हदीस होगा, उसके बाद घर के वैल्यूज़ होंगे। और यहाँ पर हमने यही कोशिश की है बच्चों को बार बार कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ख्वाब देखना है। ये छोटे मोटे जो चीज़ें आती हैं आपको गुमराह करने, इससे बचना है और जो बड़ा मकसद है ज़िंदगी का उस पर हम फोकस करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे ख्याल से हमारा एफर्ट जो चल रहा है, लेकिन जो वालिदैन का एफर्ट है, अब कई जो इंसिडेंट्स हम देखते हैं, जो चीज़ें इस उम्र में हो जाती हैं गलतियाँ, ये लापरवाही पहले पेरेंट्स से होती है, माँ बाप और बिलखसूस बाप। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि बाप जो है बच्चों को सिर्फ एक एटीएम कार्ड बन चुका है कि बस वो 100 रुपये दे दिए, फीस भर दिए, गोश्त ला के दे दिए। आपको ये करना नहीं है। अगर आप अपने बेटे को कैसे हो बेटा, आई लव यू सो मच, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम बहुत अच्छा काम करती हो कहेंगे, तो पेरेंट्स को देख के बच्चे फील करेंगे कि मुझे पूछने वाला है, क्योंकि ये उम्र अटेंशन सीकर्स की उम्र है, दे वांट अटेंशन। बिल्कुल, मैं बात आपकी काटूंगा। मैं ये कह रहा था कि मोबाइल के ज़रिए से अब बच्चों का जहन चाहकर नहीं चाहकर वो दरवाजे से बाहर निकल चुका है, वो बाज़ारों में घूम रहा है उसका जहन। तो इसको कैसे काबू पाया, क्योंकि फिरका परस्त इसी चीज़ को लेकर वो अपने काम मंसूबों में कामयाब होते नजर आए। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख कॉलेज की लड़कियां पूरे मुल्क की सतह पर उनके मुर्तद बन चुकी हैं। तो ये एक बहुत अहम मसला नहीं लगता आपको कि बिल्कुल एजुकेशन अपनी जगह पर है, लेकिन ये जहां पर इज्जतों को बाज़ारों में उछाला जा रहा है, इस पर आप कितनी मेहनत करें? देखिए, यहाँ पर ओनरशिप की बात है कि मैं अगर मेरे बच्चे को फ़ोन दे रहा हूँ वालिद होके, तो मुझे बाउंड्री सेट करनी है कि ये फ़ोन कब तक रहेगा। अब कितने घरों में रूल है कि बच्चे का अगर फ़ोन है वो 10 बजे के बाद हॉल में रहेगा। आपको किसने अधिकार दिया आपके बच्चे को 9 के बाद 10 के बाद आप मोबाइल फ़ोन दे के बच्चे को सुला रहे हैं? आप कंडीशन कर सकते हैं ना, देखो बेटा तुम्हें मोबाइल हम देंगे, करेक्ट, उसका पासवर्ड हमको मालूम होना चाहिए। ये जब पेरेंट्स अपने तरफ से एक कदम बढ़ाते हैं तभी जाके जो है वो बाउंड्री बन सकती है। जी, ये हम पता नहीं आप क्यों फिरका परस्त यूज़ कर रहे हैं, फिरका परस्त दूर रखिए। जो बेसिक जो आज मॉरल डिग्रेडेशन है, चाहे वो किसी भी कौम में हो, ऐसा नहीं है कि बस हमारे बच्चे ही ख़राब हो रहे हैं। ये सोसाइटी का जो पूरा एटमॉस्फियर है कि मोबाइल दे दिया, और ये जो मोबाइल है रिसर्च कहता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिरका परस्त ये लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुकूमतों की शय है इस पर, हुकूमतों की शय है, और वो जाहिर अब तो खुलेआम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास इतने बच्चे, हज़ारों बच्चे मैंने अब बहुत पहले से देखे, और ये तब्दीली भी आपने देखी होगी, तो इतने बच्चे रहते हैं, तो इस पहलू की तरफ भी तवज्जो किस हद तक दिन आलिन में कामयाब हो? देखिए, ये जो है एक फेविकॉल का जोड़ नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ और बच्चे समझ जाएँ। यहाँ पर समाज का हर हिस्सा जो है इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सही बात, समाज में जो है सिर्फ हम नहीं हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने बच्चों के पास जो फेंसिंग होती है, देखिए जानवर भी जो है एक उम्र तक अपने बच्चों को इस तरह प्रोटेक्ट करता है जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये बाहर जाके खुद से अपना कुछ नहीं कर लेते। लेकिन आज माँ बाप क्या करते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपनली जो है कम्युनिटी लीडर्स को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हु इज़ प्रोवाइडिंग दैट मोबाइल फ़ोन, माँ बाप ना भाई। बच्चे के पास अगर 25,000 का फ़ोन है, इसको किसने दिलाया, कौम ने नहीं दिलाया ना, दिलाया कौन है, माँ बाप ने दिलाया है। तो माँ बाप की बहुत ही बेसिक जिम्मेदारी बनती है
कि वो अपने बच्चे से कनेक्शन बनाए। मैं पेरेंटिंग के लेक्चर्स करता हूँ और पेरेंट्स को यही करता हूँ कि आपके बच्चे के साथ आपको एक बाप और एक माँ बन के होना है, फ्रेंड नहीं। हम क्या सोचते हैं, बच्चा पूरा बोलेगा हमको। तो यहाँ पर मेरा एक ही तजुर्बा है कि यहाँ पर सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप अपना काम कर रहे हैं, आप इशू को बता रहे हैं, हम हमारी तरफ से बच्चों को अलाइन कर रहे हैं कि गेट अलाइन टूवर्ड्स द राइट पाथ। जो काम सबको करना है, सबको मिलके जो है सोसाइटी में एक अच्छा माहौल बनाना है, उसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबको करना है।